कहानी लिखा है, आप एक दो दिन वेट कर लीजिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। ONGC NGO को जो अगरतला में है, जिसका कनेक्शन है, उनको आप प्रोग्राम के लिए पैसा देते हो। कुमार सानू का म्यूजिकल प्रोग्राम होगा, उसके लिए आप पैसा दोगे। ONGC या गेल या दूसरे कंपनी, कोई अगरतला या कोई कहीं में कुछ फुटबॉल प्रोग्राम हो तो उसके लिए पैसा दोगे। लेकिन ADC एरिया, जहां से आप हमारा एक्सप्लोरेशन करते हो, अगर मैंने बोला कि एक स्कूल में थोड़ा सा कुर्सी टेबल बेंच दे दो या टिन दे दो, वो नहीं दोगे। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ में एम्बुलेंस के लिए थोड़ा सा हॉस्पिटल के लिए कुछ एक्सरे मशीन दे दो, वो नहीं दोगे। लेकिन आप कुमार सानू के नाइट के लिए NGO को या कोई मंत्री के रिश्तेदार के NGO को आप पैसा दोगे। मैं जानता हूँ क्या क्या चल रहा था, और आज जब मैं हम लोग आ गए हैं और मैंने कहा है कि गांव वाले के परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होता है। आप पहले हमारे तिपरासा का तकलीफ को देखिए। आपने हमारे एरिया से बहुत लिया है। आज हम कोई जो मांग रहे हैं, किसी का खैरात का नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार का मांग रहे हैं। और जो हम मांग रहे हैं, अगर आपको लगता है वो एक्सटॉर्शन है, तो आप कोर्ट में हमारा डेफेमेशन मानहाना का केस सुन लीजिए। क्योंकि आप समझते हैं कि आप हमारे एक तिपरासा जंगल में रहेगा और आप शहर में पैसा बांटोगे। गैस हमारे एरिया से निकलता है लेकिन CSR काम शहर में होता है, ये अन्याय है। ये अन्याय को मैं होने नहीं दूंगा। आप धमकाइए, आप मीडिया को लिखकर कुछ भी लिखवा दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सच्चाई के रास्ते में, हम सच्चाई का रास्ता से काम करते हैं और हमारे पास सब लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं आने वाले दिन में आपको भी समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा। प्यार से समझ लो, वरना पब्लिक सब जानती है और पब्लिक आसानी से आपको माफ़ भी नहीं करेगी। ये तो थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, आपसे दो तीन चीज़ बात करने के लिए। सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क, अगर आपको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है, इज़ माई वॉइस क्लियर? हेलो त्वेल कुमार त्रिपुरी, हाउ आर यू? नमस्ते। आप सबको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है ठीक से? तो मैं शुरू करता हूँ आज का इंटरेक्शन। मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, लेकिन आपसे दो तीन चीज़ मुझे बात करना था, आपको इन्फॉर्मेशन देना था। सबसे पहले मैं अपने सब वॉरियर्स को, जो बहुत कष्ट करके हमारे साथ दिल्ली गए, जिन्होंने त्रिपुरा में रह के होमचांग रैली किया हमारे सपोर्ट में फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोग बहुत कष्ट करके दिल्ली गए, बहुत लोगों को खाने के लिए प्रॉब्लम हुआ आने के समय, लेकिन मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ। मुझे सब मालूम है और कौन ने क्या काम किया है, कौन ने क्या बलिदान दिया है, कौन ने क्या सेक्रीफाइस दिया है। और मैं आपको एक वादा कर सकता हूँ कि आपका जो बलिदान है, आपका जो सेक्रीफाइस है, जो कष्ट करके आप हमारे साथ दिल्ली गए, आने के टाइम ट्रेन में थोड़ा प्रॉब्लम है पानी का खाने का, मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आपका जो सेक्रीफाइस है, आपका जो बलिदान है अपने दफा के लिए, वो खाली हाथ नहीं जाएगा। इसका रिज़ल्ट हमें एक दिन मिलेगा। इसका जो अच्छा काम हम करते हैं लोगों के लिए, हमारे दफा के इंटरेस्ट के लिए, इसका एक ना एक दिन अच्छा नतीजा निकलेगा। क्योंकि ऊपर में भगवान है, गॉड इज़ देयर, और वो कभी ना कभी हमें कुछ तो देगा, क्योंकि हम सच्चाई का फाइट कर रहे हैं। मैं अपने तिपरासा वॉरियर्स को और एक थैंक यू बोलना चाहता, जो त्रिपुरा में थे, जिन्होंने बाइक रैली किया, जिन्होंने मशाल का होमचांग रैली किया, आपने जो किया उसको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप हमारे संग दिल्ली में नहीं थे, लेकिन आपका जो एक्टिविटीज़ था हम सब देख रहे थे, मैं खुद देख रहा था, और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप ज़मीन में फाइट कर रहे हैं।
आप हमारे साथ हैं, आपने कभी भी नहीं पूछा है कि हमको क्या मिलेगा, आपने ये जो सपोर्ट किया है क्योंकि आपको लगता है कि अगर थानसा है, अगर एकता है तो हमारे लोगों को कुछ मिलेगा। मैं दो तीन लीडर्स को और एक चीज़ बोलना चाहता था कि सिर्फ 2 महीना बाकी है और अगर हम लोग एक रहेंगे तो कुछ मिलेगा। अगर हम लोग अलग अलग आवाज़ में अपने ही अहंकार के लिए, अपने ही ईगो के लिए, अपने ही बारे सोचेंगे तो आप, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, 75 साल से कुछ नहीं मिला, आने वाले 75 दिन में भी अगर आपने थानसा को तोड़ा तो मैं आपको बोल रहा हूँ बाद में आप रिग्रेट करेंगे, बाद में आपको लगेगा हाँ मुझे, मैंने गलत काम किया। तो लालच का कोई अंत नहीं होता, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए ना तो पहले अपने परिवार को दो, पहले अपने गांव को दो, कामी को दो, पहले अपने शहर को दो, पहले अपने राज्य को दो। जब राज्य डेवलप करेगा, जब आपका गांव उन्नति करेगा, जब आपका परिवार उन्नति करेगा, तभी आपका उन्नति होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सबसे पहले मैं खाऊंगा, सबसे पहले मुझे कुछ चाहिए, बाद में सबको कुछ मिलेगा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आपका थानसा टूटेगा। और अगर थानसा टूटा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। थानसा नहीं था, कुछ मिला हमें? नहीं ना। तो सोचो आप। दूसरा पॉइंट है, आप लोग, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करना है आगे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको आने वाले दिन में एक दूसरे से बात करना है। आपको एक बात समझना है, ये बुबागरा, ये प्रद्योत क्यों ये कर रहा है? क्या मुझे कुछ चाहिए? क्या मुझे कुछ अपने लिए चाहिए? नहीं, मैंने अपने माँ को, मैंने अपने पिताजी के आत्मा को, मैंने अपने तिपरासा, अपने बूमा को, जो गरीब है, जो भूखा है, जो गांव में रहता है, जो उम्मीद करता है कि बुबागरा कुछ करेगा हमारे तिपरासा के लिए, इस बार मैं उनके लिए, उनका आवाज़ बन के फाइट कर रहा हूँ। अपने लिए अगर फाइट करना होगा तो आसान से बहुत चीज़ मिल सकता है, लेकिन वो नहीं है अब लक्ष्य। अभी लक्ष्य है कि हम सब एक रहें। एक रहना चाहिए कि नहीं? बहुत लोग आके मुझे कहते हैं कि ये जमातिया एरिया है, ये देबर्मा एरिया है, ये रियांग एरिया है, ये कलोई एरिया है, ये उच्चोय है, ये रूपिनी है, ये दारलोंग है, ये चाकमा है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब तिपरासा एरिया है और हमारे अगेंस्ट साजिश हो रहा है, हमको तोड़ने का एक पूरा प्लानिंग बन रहा है। सबको लगता है कि हम टूट जाएंगे, लेकिन अगर आपका प्यार है, आपका विश्वास है, तो हिंदुस्तान में कोई पावर नहीं है जो हमें तोड़ सके। हमें एक आवाज में अपने लोगों के लिए बात करना है, हमें एक आवाज में आगे बढ़ना है। पिछले दिन में मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया। मैंने कभी नहीं देखा कौन बंगाली है, कौन मणिपुरी है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन चाकमा है, कौन त्रिपुरा है, कौन रियांग है, कौन कोई भी है। मैंने क्यों हेल्प किया? हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। हमें जो भी करना है शांति से करना चाहिए, कहीं में झगड़ा नहीं होना चाहिए। न्यूज़पेपर में सब लोग लिखते हैं कि अगर तिपरा मोथा आएगा तो वायलेंस होगा, जनजाति आएगा तो वायलेंस होगा। हम जनजाति को भी सबको दिखाना है कि हम वायलेंस का रास्ता नहीं चाहते हैं, हमको शांति चाहिए, हमको डेवलपमेंट चाहिए। जो लोग बंदूक के आवाज़ में, जो लोग वायलेंस से अपना बात रखते हैं ना, उसमें असल में दम नहीं है। हम एक कम्युनिटी है जिसका सिविलाइजेशन है, जो भी रखना है शांति से अपना बात रखो, किसी को धमका के, धड़ा के, दबा के बात करने से आप एक चीज सबको दिखाते हो कि असल में कमजोर आप। ठीक बोल रहा हूं? और हाँ, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब अंदर का बात है, घर का बात है, इसमें आप पॉलिटिक्स मत करो। ये पॉलिटिक्स से किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर आज त्रिपुरा में एक हिंदू भूखा है तो मुसलमान भी भूखा है, एक क्रिश्चियन भी भूखा है। अगर किसी को नौकरी चाहिए तो वो सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, मुसलमान को भी चाहिए। अगर किसी को नौकरी चाहिए
तो ये हम सबको चाहिए। अगर कोई बीमार होता है डॉक्टर को डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर किसी का धर्म नहीं पूछता, किसी का जात नहीं पूछता, डॉक्टर डॉक्टर होता है। तो हमें भी इससे आगे बढ़ना है। मैं अपने सिद्धांत में, अपनी आइडियोलॉजी में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, करना भी नहीं। यहाँ तक पहुँचा हूँ आपके प्यार से, यहाँ तक आया हूँ आपके आशीर्वाद से, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से, किसी के पैसे से नहीं। तो मैं आज आपका प्यार, आपका आशीर्वाद को छोड़कर थोड़ा सा पैसा पद लेकर मैं अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछिए, लेकिन मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आने वाले एक दो महीने में हमको पॉलिटिक्स कम करना है, हमको थानसा ज़्यादा लाना है। त्रिंग आएगा, त्रिंग में एक साथ बैठिए, मत सोचिए कि कौन क्रिश्चियन है कौन हिंदू है। इसके बाद क्रिसमस आएगा, मत देखिए कौन क्रिश्चियन है कौन हिंदू है कौन बुद्धिस्ट है। नया साल हम सबका नया साल है, एक संग मनाइए, बंगाली हो, तिपरासा हो, कोई भी हो, एक साथ बनाइए। मैं अपने बंगालीज को भी बोलना चाहता हूँ, मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे तिपरासा भी बहुत अच्छे लोग हैं। प्रॉब्लम क्या है, जब मैं सच बात बोलूँ, हमारे नेता लोग खराब है। हमारा नेता लोग ने दोनों को, बंगाली का नेता ने बंगाली को, तिपरासा का नेता ने तिपरासा को गरीब रखा है, एक दूसरे से लड़ाया है। क्योंकि अगर आज हमारे पास पैसा आ जाए ना, आज अगर बंगाली या तिपरासा के पास नौकरी आ जाए ना, या हमें हमारे बच्चे को शिक्षा मिल जाए ना, तो कोई नेता के पीछे भागेगा नहीं, कोई 100 रुपए लेकर पूरा दिन झंडा उठाकर स्लोगन नहीं करेगा, कोई नेता को अपना भगवान नहीं बुलाएगा। इसके लिए हमारे नेता लोग भी हमें गरीब रखते हैं, हमें पीछे रखते हैं, क्योंकि ये उनका बिजनेस है। मैं चाहता हूँ कि सबका डेवलपमेंट हो, मैं चाहता हूँ कि अच्छे स्कूल्स आए, अच्छे कॉलेजेस आए, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सिस्टम बने जहाँ की एक यूथ अगर उनको नौकरी चाहिए तो त्रिपुरा से बाहर नहीं जाए, टूरिज्म बने, स्किल बिल्डिंग हो। लेकिन मैंने क्या देखा है, प्रोमिसेस, सब लोग वादा करते हैं, सब लोग प्रोमिसेस करते हैं, इलेक्शन के पहले ये होगा वो होगा। आज भी गांव में अगर जोर से बारिश आ जाए तो चार चार दिन तक बिजली नहीं आता, बिजली का खंभा है लेकिन उसमें करंट नहीं। आज भी स्कूल, आप जो भी प्रॉमिस कर लो स्कूल के बारे, टीचर अच्छे हैं लेकिन टीचर को सैलरी टाइम में नहीं मिलता, टीचर को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उनको मरीज को ट्रीट करना है, लेकिन डॉक्टर कब तक करे जब हॉस्पिटल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में एक्सरे मशीन काम नहीं कर रहा, इक्विपमेंट्स नहीं है, दवाई लिखते हैं लेकिन दवाई डिस्पेंसरी में नहीं मिलता। मैं इस थोड़े दिन पहले CBSE के पास गया था अपने एग्जाम्स के लिए, कॉकब्रॉक इन रोमन स्क्रिप्ट के लिए। मुझे अजीब लगता है कि सब लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको इंग्लिश स्क्रिप्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा। ये मंत्री लोग, ये MLA लोग अपने बच्चे को होली क्रॉस में भेजते हैं, ये मंत्री, ये MLA लोग अपने परिवार के बच्चे लोगों को होली क्रॉस, डॉन बॉस्को, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, लेकिन इनका सोचना है कि हमारा जो बच्चा है, कोई भी हो, बंगाली हो, ट्राइबल हो, मणिपुरी हो, कोई भी हो, उनको बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहिए। क्यों? हमारा बच्चा को कल क्या इंजीनियर नहीं बनना है? हमारा बच्चा को कल इंग्लिश नहीं बोलना है? हमारा बच्चा को कल अच्छा नौकरी नहीं मिलना है, प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो? ये क्यों है, क्यों त्रिपुरा दूसरे स्टेट से पीछे है? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। त्रिपुरा में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता, क्यों इन्वेस्टमेंट बाहर होता है? क्योंकि हमारे लोग स्कूल से ही वंचित हैं। थोड़े दिन पहले हेल्थ केयर के बारे में बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल में अगर आज कोई बीमार है, उनको वेलोर जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाना पड़ता है,
क्यों हमारे लोग, क्यों हमारे लोगों को त्रिपुरा में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता? कुछ तो वजह होगा, पैसे का कमी है। सब लोग बोलते हैं कि पैसा तो आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, किनके पास जा रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पैसा हमारे लोगों के पास जा रहा है। ये सब सवाल है। मैं बोलूंगा कि सोल्यूशन मेरे पास, सोल्यूशन आपके पास, सोल्यूशन आपके पास है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग अब सिस्टम के अंदर आए। ये सिस्टम ना हमें नीचे रखने के लिए बनाया गया, ये सिस्टम को बदलना है। और अगर सिस्टम को बदलना है देन आई नीड गुड पीपल, नॉट जस्ट तिपरासा, गुड पीपल, बंगालीज, तिपरासाज, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, आई नीड गुड पीपल, आई नीड गुड ह्यूमंस, आई नीड गुड इंडियंस। मैंने भी बहुत सीखा है पिछले 18 महीने में। जो मैं सोचता था, मेरा सोच में भी बहुत परिवर्तन आया। एक व्यक्ति को हमेशा समय के साथ चलना चाहिए, और जहां में गलती होता है स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो तभी होगा जब हम शांति से अपना बात रखेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे लेकिन शांति से रखेंगे। और किसी को लगता है कि अगर वायलेंस से, गुंडागर्दी से, बंदूक उठाकर अगर अपना बात रखना है तो भैया आपने पहले रखा है, कुछ मिला? कुछ मिला नहीं। हिंदुस्तान में जो भी कुछ किसी को मिलता है वो मिलता है जब, ये गांधी का देश है। गांधी ने अंग्रेज को बंदूक से नहीं, अपने असूलों से हराया। ये देश, ये राज्य में अगर हमको अपना बात रखना है तो शांति से रखो। ये दिसंबर का महीना है, त्रिंग है, त्रिंग के बाद क्रिसमस है, क्रिसमस के बाद नया साल है। पॉजिटिव बनो। और जो लोग थोड़ा सा पैसा फेंक कर, यही पैसा जो आपको फेंक रहे ना आज, यही पैसा ये बाद में फिर से उठाएंगे यही नेता लोग, कॉन्ट्रैक्टर से उठाएंगे, बिजनेसमैन से उठाएंगे। ये पैसा, ये आपका पैसा है, लेकिन आज आपको थोड़ा सा देकर बाद में यही आपके घर में, आपके गांव में आपका रास्ता ठीक से नहीं बनेगा, आपके स्कूल ठीक से नहीं बनेगा। क्योंकि आज जो ये पैसा खर्च कर रहे हैं ये वापस रिकवर करेंगे आप ही के गांव से, आप ही के एरिया से। सो प्लीज थिंक, आई अपील टू ऑल ऑफ यू, थोड़ा सा सोचिए भविष्य में क्या करना है। मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, एंड आई वॉन्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, आई वॉन्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड, ऑफ यूनिटी, थानसा। एंड यस, आपको एक लीडर मिला है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सब बोलते हैं कि आपको शक्ति कहाँ से आता है, मुझे शक्ति आपके प्यार, आपके आशीर्वाद से आता है। और मैं आने वाले दिन में अपने लाइन में चलूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही सत्य के रास्ते में हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि जो सिस्टम पहले से चल रहा था उसी को चलना चाहिए, तब आप खुद ही जानते हैं कि आने वाले दिन में क्या होगा। ये बोलकर आई वॉन्ट टू थैंक एवरी वन ऑफ यू। दो तीन चीज और पॉइंट था। मैं आने वाले दिन में अपने लॉयर से, मेरा आज ही बात हुआ, 10,323 टीचर्स का केस इसी महीना फाइल होगा। लॉयर्स बिजी थे, चीफ जस्टिस का चेंज हुआ था, लेकिन इसी महीने हम लोग केस फाइल करेंगे। मैं कल ही फ़ोन करूंगा टीचर्स को जो अफेक्टेड है, कि आने वाले दिन में जल्द से जल्द, क्रिसमस से पहले हमें क्या करना चाहिए। दूसरा बात है CBSE एग्ज़ाम्स जो होगा, हमने चेयरपर्सन को कहा है कि कॉक बॉरॉक रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए, वरना हमारे छात्र लोग फेल होंगे। ये हमारा सेंटिमेंट, एक ऑप्शन दीजिए कि कौन से लैंग्वेज में हम अपियर करें, लेकिन बिना ऑप्शन का अगर आप हमें चांस देंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इलेक्शन का सीज़न है, सब पार्टीज आएंगे, सब मीडिया कुछ बोलेगा। मैंने थोड़े दिन पहले ONGC के बारे सुना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसने ये कहानी लिखा है, आप
एक दो दिन वेट कर लीजिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। ONGC NGO को जो अगरतला में है, जिसका कनेक्शन है, उनको आप प्रोग्राम के लिए पैसा देते हो। कुमार सानू का म्यूजिकल प्रोग्राम होगा, उसके लिए आप पैसा दोगे। ONGC या गेल या दूसरे कंपनी, कोई अगरतला या कोई कहीं में कुछ फुटबॉल प्रोग्राम हो तो उसके लिए पैसा दोगे। लेकिन ADC एरिया, जहां से आप हमारा एक्सप्लोरेशन करते हो, अगर मैंने बोला कि एक स्कूल में थोड़ा सा कुर्सी टेबल बेंच दे दो या टिन दे दो, वो नहीं दोगे। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ में एम्बुलेंस के लिए थोड़ा सा हॉस्पिटल के लिए कुछ एक्सरे मशीन दे दो, वो नहीं दोगे। लेकिन आप कुमार सानू के नाइट के लिए NGO को या कोई मंत्री के रिश्तेदार के NGO को आप पैसा दोगे। मैं जानता हूँ क्या क्या चल रहा था, और आज जब मैं हम लोग आ गए हैं और मैंने कहा है कि गांव वाले के परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होता है। आप पहले हमारे तिपरासा का तकलीफ को देखिए। आपने हमारे एरिया से बहुत लिया है। आज हम कोई जो मांग रहे हैं, किसी का खैरात का नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार का मांग रहे हैं। और जो हम मांग रहे हैं, अगर आपको लगता है वो एक्सटॉर्शन है, तो आप कोर्ट में हमारा डेफेमेशन मानहाना का केस सुन लीजिए। क्योंकि आप समझते हैं कि आप हमारे एक तिपरासा जंगल में रहेगा और आप शहर में पैसा बांटोगे। गैस हमारे एरिया से निकलता है लेकिन CSR काम शहर में होता है, ये अन्याय है। ये अन्याय को मैं होने नहीं दूंगा। आप धमकाइए, आप मीडिया को लिखकर कुछ भी लिखवा दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सच्चाई के रास्ते में हूँ। हम सच्चाई का रास्ता से काम करते हैं और हमारे पास सब लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं आने वाले दिन में आपको भी समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा। प्यार से समझ लो, वरना पब्लिक सब जानती है और पब्लिक आसानी से आपको माफ भी नहीं करेगी। यही बोलकर आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू ऑल, शांति रखो, प्यार से रहो। बंगालीज, तिपरासास, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। ये समय है, ये सीजन है प्यार बांटने का, एकता लाने का। और प्लीज़, जो लोग नफरत का राजनीति करते हैं, जो लोग राजनीति करते हैं जिससे आपको नफरत फैला जाएगा, दोनों तरफ से गलत लोग हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि सिर्फ एक तरफ से, दोनों तरफ से। उन जैसे लोगों को समझो, उन्होंने त्रिपुरा को बर्बाद किया है। वैसे लोगों को अब आप छोड़ो जो ड्रग्स का राजनीति करते हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, उन लोगों को आप छोड़िए और एक आने वाला त्रिपुरा को डेवलप कीजिए, जहाँ में हम सब